दूसरों के नज़र में जेंटलमैन कैसे बने। हेलो दोस्तों, क्या आप सचमुच एक जेंटलमैन बनना चाहते हैं, भले ही दूसरों की नज़रों में या सचमुच के जेंटलमैन? जेंटलमैन लोग कभी भी ये गलतियां नहीं करते जो आम लोग करते हैं, इसलिए वो जेंटलमैन होते हैं। वो कौन सी गलतियां हैं जो एक जेंटलमैन नहीं करता और आम लोग करते हैं? जब भी कोई इंसान गलती करता है या कुछ गलत हो जाता है उससे, तो ज़्यादातर लोग उस पर हंसने लग जाते हैं, कमेंट पास करने लग जाते हैं। लेकिन ऐसे टाइम पर जो लोग जेंटलमैन होते हैं और एक्सपर्ट कम्युनिकेटर होते हैं, वो इन सबसे बेटर ऑप्शन लेते हैं, जो है इग्नोर करने का ऑप्शन। एग्जाम्पल, एक बार एक बड़ी कंपनी के CFO एक रेस्टोरेंट में बैठकर डिस्कशन कर रहे थे, तभी वहाँ के जो वेटर था उनके टेबल से थोड़ी दूर सारे डिशेज लेकर गिर गया। जैसे वो गिरा, अलग अलग आवाजें आना स्टार्ट हो गई थी हर तरफ से। कुछ लोग तो हंसने भी लग गए थे। उसी टाइम एक CFO के पैर के पास पोटैटो भी आकर गिर गया था, जो हल्के से उन्हें लगा था, पर उन्होंने और उस टेबल के बाकी CFO ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि वो बात ऐसे करते रहे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और इसके बाद फिर वैसा इंसिडेंट हुआ, फिर उन लोगों ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। ऐसे ज़्यादा एक्सपर्ट कम्युनिकेटर और जेंटलमैन लोग ये बात समझते हैं, जब किसी से गलती होती है तो वो ऑलरेडी उस बात से नेगेटिव फील कर रहे होते हैं, और हमारा कुछ भी बोलना उस टाइम पे उसे और भी ज़्यादा नेगेटिव फील कराएगा। इसलिए बेस्ट वही होता है कि हम उस बात को उस टाइम एकदम इग्नोर कर दें, अगर वो करना पॉसिबल हो तो। क्योंकि अगर आप लोगों की छोटी मोटी गलतियों को नज़रअंदाज करोगे, तो ये चीज़ सामने वाले को अच्छा फील कराएगी कि आप कितने अच्छे इंसान हो जो उनकी गलतियों को ऐसे इग्नोर कर रहे हो, जिसकी वजह से वो ज़्यादा आपकी ओर अट्रैक्ट भी होंगे। तो चलो हम मान लेते हैं आपने एक कर दिया, लेकिन उसका क्या जब लोग आपकी बात की वैल्यू ही नहीं समझेंगे, तो क्या करें? तो अगर आप चाहते हो कि आपकी बात की वैल्यू हो, पर कैसे ये जानना चाहते हो, तो आप ये राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। या ये जानना चाहते हो कि लोगों के ब्रेकअप 3-4 महीनों में कैसे हो जाते हैं, क्या वो गलतियां करते हैं जो आप ना करें, तो आप ये लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।